हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आपको फिर से अपने बचपन से रिलेटेड कुछ ऐसी ही स्टोरी लेकर आई हूँ जो आप तक शेयर करने वाली हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे आज भी याद है कि मेरे यहाँ मेरे बुआजी का लड़का रहता था। वो पढ़ाई करता था यहाँ पे रह के मेरे घर पे ही। और उनके यहाँ पे जैसे होता ना कि कोई अपने मामा के यहाँ रहने लगता है, तो वो भी मेरे यहाँ पे रहता था। पर वो यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते उसको काफ़ी टाइम हो गया था। वो मुझसे काफ़ी बड़ा भी था। मेरे घर के सारे लोग उसे बहुत पसंद करते थे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि कुछ तो बहुत सुंदर भी था, कुछ एक तो ये कि बांझा है, दूसरी चीज़ वो पढ़ाई कर रहा था यहाँ पे। तो इसलिए सभी लोग, जब किसी दूसरे का बच्चा होता है तो उसे सब लोग इतना प्यार करते ही है कि वो कुछ अपने आप को वैसा फील ना कर पाए, बुरा ना लगे उसे। तो इसी तरह से वो मेरे यहाँ रहता था और काफ़ी दिन हो गए उसको रहते रहते। ऐसा कोई उसके बारे में कुछ भी कभी सोच, स्मार्ट के साथ साथ वो इतना होशियार भी था। कुछ टाइम रहते रहते ऐसा हुआ कि जैसे कि मेरी मम्मा और मेरे चाचू थे, तो मम्मा मेरी सिलाई करती थी। तो उसमें ऐसा होता था कि सिलाई में जैसे पैसे आते हैं तो वो ऐसे ही रख देते हैं ना, घर पे कोई ऐसा बंदा है नहीं उठाने वाला। कुछ टाइम से ना अचानक से ही पैसे जैसे गायब होते थे घर से, तो मतलब चोरी हो जाते थे, मिलते ही नहीं थे। तो उसमें ना कई बार ऐसा हुआ, कई बार होते होते, लेकिन जब ऐसा हुआ तो जो मेरे बड़े वाले चाचू थे वो एक भी मौका ही नहीं छोड़ते थे मुझे नीचा दिखाने का। वो हमेशा कुछ भी हो तो वो सोचते थे कि कब ऐसा मतलब मौका आए तो मैं इसको कुछ भी इल्ज़ाम लगाऊं या कुछ भी करूं। और वो सब ऐसे ही मुझसे नफरत करते थे, क्योंकि मैं उनको किसी को पसंद नहीं आती थी। पता नहीं ऐसा क्या था कि नहीं पसंद आता था उन्हें। कुछ ही पॉइंट चाहिए होता था मुझे किसी भी चीज़ में एकदम नीचा दिखाने का। जब थोड़ा थोड़ा पैसे गायब हुए तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़े टाइम पे जो घर पे खेती का सामान होता है ना, जैसे गेहूं वगैरह जो भी होते हैं, तो जब वो सब चीज़ें कम होने लगी और वो भी लगने लगा कि कोई ले जाता है, तो फिर ज़्यादा करके सब लोग ही गौर करने लगे। सब जब सब गौर करते थे तो फिर उसमें ऐसा होता था कि मन में घर के सदस्यों को सबको ही जहन पर रहता था ये सवाल कि ऐसा कौन कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे जो चच्चू थे उन्होंने मुझ पे ही निशाना साधा हुआ था। तो बिना सोचे और समझे मेरे चाचू ने मुझसे ही मेरे लिए झूठ और मुझे चोर बना दिया। उसने बोल दिया कि मैंने इसको देखा है और ये जाती है दुकान जाती है, या फिर ये अपनी फ्रेंड को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अपने फ्रेंड से सामान देती है, उसको बेचने को देती है। तो जब भी ऐसे मेरे चाचू ने कहा तो मेरी मम्मा ने बहुत ही मुझे पीटा उस दिन, चिमटे से गर्म करके यहाँ यहाँ इस जगह सब जगह और यहाँ पे भी। और अगर जैसे मैंने कुछ बोला तो मेरे ऐसे करके इधर पे मतलब जलाया और बहुत सारी चीज़ें की। उस टाइम बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही रोना आ रहा था। इतना ज़्यादा याद नहीं है कितने साल। और रस्सी से बांध दिया। रस्सी से बांधने के बाद क्या किया कि ये सब लोग खेत चले गए और मैं बंदी रही। चच्चू थे मेरे छोटे वाले, वो भी नहीं बोलते थे। भाई भी थे, वो भी नहीं बोलते थे। और दिन भर मुझे बहुत भूख लगी थी। मुझे सारी चीज़ें मतलब बहुत याद हैं। उस टाइम पे इतना ज़्यादा ऐसा लगता था कि कुछ मिल जाए तो मैं खा लूँ। और दिन भर से ऐसे ही मैं भूखी बंधी हुई थी, खटिया पे ही बांध दिया था रस्सी से।
इसके बाद शाम को क्या हुआ कि जब मुझे खाना नहीं मिला तो मैंने धीरे धीरे करके हाथ ऐसे खिसका के, और वही समथिंग 3 बजे का टाइम या 3:30 बजे होगा उस टाइम पे मुझे, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया कि चच्चू देख ही रहा था कि ये क्या कर रही है, और मैंने ना चोरी से जाके खाना लेके खा लिया था। एक्चुअली भूख कुछ अलग ही चीज़ होती है, तो जब कुछ भी कोई कहता है तो फिर कुछ नहीं, और भूखा था पेट तो ऐसा मुझे करना पड़ा। फिर इसके बाद मुझे जब मैंने खाना खा लिया तो फिर वो निकले और उन्होंने कहा कि चुरा के खाना खा लिया, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर भाई उठा और उसने बोला कि सही सब लोग कहते हैं, जब खाना चुरा के खा सकती है तो चोरी भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, खाना चुराने की बात अलग है। मुझे ऐसे ही टाइम बीतता गया और एक दिन ऐसा दिन आया कि जब चोर भी मिल गया बिना पता लगाए ही, जो लोग मुझे पीटते थे वही लोग चोरी करते थे। यानी चच्चू मेरे बहुत ही मुझसे नफरत करते थे और उन्होंने खुद ही चोरी की हुई थी। एक दिन उनका ऐसा समय आया कि उन्होंने रात के टाइम में गेहूं को गेट के पीछे ऐसे बांध के रख दिया हुआ था, और वो हमेशा बाहर लैटिन जाते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सुबह से दुकानें तो खुली जाती हैं, या सुबह से कहीं और रख देखते हैं या किसी के यहाँ रख देते हैं, फिर इसके बाद जो भी वो करते हो ये उनका ही पर्सनल है तो वो ही जान सकते हैं। मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जब वो बेच रहे थे उन्हें ऐसा मौका नहीं मिला, और जब उन्हें मौका मिला तो मेरे बड़े पापा ने देख लिया उस दिन। तो उन्होंने ना जब मुझे उन्होंने पीटा तो मेरे जो बड़े पापा थे वो इतना गौर करते थे मुझ पे, और उन्होंने दुकानों पे कह रखा था अगर कोई कुछ भी लेके आए तो हमें बताना। तो जो दुकान पहचान की थी, जिनकी दुकानें ज़्यादा चलती थी, उनके यहाँ उन्होंने कह रखा था। तो जैसे ही ये बेचने गए, मेरे चच्चू चोरी से जो भी चीज़ें लेके गए थे तो फिर ये पकड़ गया। जब ये पकड़ गए तो इनका एकदम मुंह दिखाने लायक ही नहीं रह गया किसी को, बस शर्म से नीचे किए। फिर भी वो होता है ना कि एक तरह इंसान होता है कि कुछ भी उसे फर्क नहीं पड़ता, और वो और मम्मी बस एक दूसरे को, एक दूसरे की बात को ही मनवाएं, किसी की बात वो सुने नहीं, सिर्फ अपनी बात मनवाएं। ऐसा नहीं था मैं इसलिए लेके गया था, ऐसा था वैसा था, बस इस तरह से घुमा दिया बात को, और बस फिर कुछ नहीं हुआ, फिर वही चीज़ें दौड़ के आ गई। और मेरे बड़े पापा को बोल दिया कि वो चिढ़ते हैं इसीलिए, उन्होंने ऐसे ही उन्होंने बोला कि बड़े पापा चच्चू से जलस रहते हैं, वो इसलिए इस तरह सब करते हैं, इसीलिए उनका चोरी का नाम लगाया है। हो सकता है उन्हें कुछ ज़रूरत होगी इसीलिए वो कुछ ले गए होंगे, बेचने ले गए होंगे गेहूँ वगैरह, ये जो भी ले गए हों चने बेचने के लिए इसीलिए ले गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ फिर मेरे चच्चू को कई लोगों ने पकड़ा, उनको घर के लोगों ने भी, बाहर के लोगों ने भी चीज़ें ले जाते हुए, फिर क्या, फिर उन्होंने मुझे मारना तो बंद कर दिया खैर, लेकिन हाँ वो नफरत मुझसे अभी भी करते हैं, और वो होता है ना, मतलब कभी बात नहीं करते, अभी भी नहीं करते हैं। और मैं एक चीज़ आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं इस टाइम पे, तो आपसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चे हैं तो उनसे कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, वो चोर भी हो सकते हैं, कोई बहुत समझदार हो सकता है, कोई बहुत होशियार हो सकता है, कोई बहुत नालायक हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करें, आप चाहोगे तो क्या नहीं सही हो सकता, लेकिन हाँ उसके लिए पूरे दिल से परिश्रम करना होगा। और वो बच्चे हैं, बच्चों के साथ कोई ऐसे नहीं कर सकता,
ये बहुत ही गलत है। और ये मैं नहीं कहना चाहती कि ये गलत है या सही है, लेकिन हाँ मुझे ये लगता है। आपको क्या लगता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन, और आप कितने लोग ऐसा करते हैं जो करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा ना करें अपने बच्चों के साथ। दूसरी चीज आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ही ख्याल रखें, चाहे एक लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़की लड़का में भेदभाव ना रखें। परिस्थितियाँ कैसी भी हों सब ठीक हो जाती हैं। कितने लोग मेरी राय से सहमत हैं, कितने लोगों को मेरी ये कहानी, मेरे बताए हुए चीज़ें कितने लोगों को सही लगती है या गलत लगती है, वो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। तो बाय, और आज तक की कहानी यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो पे आपको नेक्स्ट स्टोरी पर मिलेंगे।